भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। भगवान ही हमें ऐसी परिस्थितियां भेजते हैं, वो दो कारणों से भेजते हैं। पहला, हमारे कर्म के जो प्रारब्ध हैं उनको भोगने के लिए। दुख क्यों आते हैं? जो हमने कर दिया है उनका परिणाम ही तो हमको मिल रहा है, एक तो इस कारण से, और दूसरा आपको इस जीवन में सीख देने के लिए। इन दुखों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक आप अनुभव नहीं होते तो वो दुख आपके लिए बड़े दुखदाई होते हैं, लेकिन जब आप अनुभवी हो जाते उनसे कुछ सीख ले लेते हैं तो वो दुख कहाँ रहता है, वो हट जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, एहसास कराती हैं ये समस्याएं कि हमारी गलती कहाँ, हमारी चूक हुई कहाँ, हमने कुछ गलती तो छोड़ी है। किसी ने हमारे आज दुख है तो आपको बहुत सारा ज्ञान होगा, अपने पराए हर चीज का ज्ञान होगा उससे। सुख में तो आपको हर कोई अपना बनाएगा ना, कि नहीं तुम मेरे हो, तुम मेरे, तुम मेरे। लेकिन दुख की विपत्ति में फिर देखते हैं कौन, वो कौन बताता है? दुख बताता है। दुख से बहुत कुछ सीखा जाता है, और जब आप अनुभवी हो जाते हैं तब आपको दुख नहीं लगता, तब जीवन बड़ा खुशहाल होता है, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। तो कहते हैं भगवान सिखाने के लिए और कर्म प्रारब्ध को भोगने के लिए ये परिस्थितियां आती, लेकिन हम अपने विचार अच्छे रखते हैं तो परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए विचारों का ही खेल है। किसी को दुख लग रहा है कि मैं मेरे घर में इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरा घर अच्छा नहीं है, ये दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है, ये इसमें वास्तु दोष है, इसमें ऐसा, इसमें वैसा, मैं तो मुंबई में जाके रहता तो अच्छा था, वो घर छोड़ दिया, मुंबई में जाके महाशय रहने लगे, और हुआ क्या, वहां भी दोष लगा रहे हैं, ये फ्लैट अच्छा नहीं मिला मुझे, तो वो वाला फ्लैट लेना था। क्यों? क्योंकि जिसको बदलना था वो तो भीतर था, हम बाहर की सारी चीजें बदल आए लेकिन अपना नजरिया नहीं बदल सके। हमारा जैसा चश्मा वैसा हमें रंग दिखाई पड़ेगा। हरे रंग का चश्मा है तो सब हरे हरे नजर आएंगे, लाल रंग का है तो लाल नजर आएंगे। तो हमने अपना चश्मा कैसा चढ़ा रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।